वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है चंदौली से। जी हां, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक ने एक बार फिर से नापाक हरकत करते हुए गोलीबारी की। इस दौरान पुंछ के रजौरी सेक्टर में गोलीबारी में चंदौली जिले के रहने वाले सेना के जवान चंदन राय शहीद हो गए। वहीं शहादत की खबर मिलते ही शहीद जवान के घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल को शहीद चंदन राय की शादी होने वाली थी। वहीं गाँव में इस खबर से सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी उकसावे के सेना के गश्ती दल पर गोलीबारी की। इस घटना में कांस्टेबल चंदन राय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर सोमवार शाम तक गांव पहुंचने की उम्मीद है। वहीं शहीद के घर सांत्वना देने के लिए बीजेपी के नेता और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि शहीद चंदन राय के परिवार में 4 भाई और 3 बहनों में तीसरे नंबर के थे। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है।